हे गाइस वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल गायनी लेक्चर बाय तरंगनी गोस्वामी सो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही इजी वे में पढ़ाने वाली हूँ एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको वन पेपर के अंदर इतना सिखा दूंगी समझा दूंगी कि आप अच्छे से अपने पेपर में इस क्वेश्चन को अटेम्प करके आ सकते हैं सो लेट गेट स्टार्ट सबसे पहले अगर हम बात करें डेफिनीशन की तो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग की डेफिनेशन क्या होती है ब्लीडिंग जो कि एबनॉर्मल हो इन वॉल्यूम इन ड्यूरेशन और रेगुलरिटी और फ्रीक्वेंसी उसको हम कहते हैं एबनॉर्मल ब्लीडिंग नेक्स्ट आता है वॉट आर द दॉस ऑफ यूट्राइन ब्लीडिंग सबसे पहले दैट इज डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग इन्फेक्शन थाइड डिसऑर्डर प्रेगनेंसी हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर नियोप्लास्टिक ग्रोथ अगर आपको इसको याद रखना है तो इसके लिए आप छोटी सी ट्रिक याद कर सकते हो डी आई टी पी एच एन ठीक है सो नेक्स्ट बात आती है कि वॉट आर दी पैटर्न ऑफ दॉर्मल यूट्राइन ब्रीडिंग आई थिंक अभी तक मैंने जितना पढ़ा है वो तो याद हो गया होगा एबनॉर्मल यूट्राइन ब्रीडिंग का मतलब क्या है एबनॉर्मल इन वॉल्यूम फ्रिक्वेंसी रेगुलरिटी एंड ड्यूरेशन उसको हम कहते हैं नॉर्मल यूट्राइन ब्रीडिंग अगर आपको इसको भी याद रखना है तो इसके भी मेरे पास एक बहुत अच्छी सी ट्रिक है आई टेल यू यू कैन यूज द ट्रिक वी डी आर एफ वी डी आर एफ दैट इज वॉल्यूम ड्यूरेशन रेगुलरिटी एंड फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट हमने कॉजेस को भी याद कर लिया कॉजेस हो गए डी आई टी पी एच एन

अगर 80 एम से ज़्यादा है क्योंकि नॉर्मल अमाउंट जो होता है मेंसेस में वो 80 एम तक होता है 20 टू 80 एम तो अगर 80 एम से ज़्यादा अमाउंट हो रहा है ब्लीड हो रहा है फ्लो अमाउंट मतलब ज़्यादा है 80 एम से तो उसको हम कहेंगे मेनोरेजिया की कंडीशन में रखेंगे हम उसको और अगर ड्यूरेशन सात दिन से ज़्यादा है तो उसको मेनोरेजिया कहा जाता है या फिर दोनों कंडीशन हो तो इसको कहेंगे हाइपर मेनोरिया हाइपर मतलब कि ज्यादा मेनोरिया होना या फिर आ, क्या कहेंगे मेनोरेजिया इसको हम कैसे करेक्टराइज करते हैं कैसे हम पहचान सकते हैं कि ये मेनोरेजिया ही है लार्ज सॉरी लॉन्ग ड्यूरेशन फ्लो लंबे टाइम तक फ्लो हो रहा है मतलब कि सात दिन से ज्यादा बिग क्लॉट्स बड़े बड़े क्लॉट्स हो रहे हैं इंक्रीज थिक सैनिटरी पैड अगर कोई बहुत ज़्यादा सैनिटरी पैड यूज करता है बिकॉज वेन डू आर केय टेकिंग तो उस टाइम पर हम पेशेंट से पूछते हैं मैंसेस की कंडीशन में कि आप कितने पैड यूज कर लेते हो तो इससे समझ में आता है कि कितना फ्लो हो रहा है तो अगर ज़्यादा सैनिटरी पैड्स यूज कर रहे हैं तो हो सकता है उसको मेनोरेजिया हो और अगर हीमोग्लोबिन का काउंट लो आता है तो तो ये चार इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज थे फॉर दी मेनोरेजिया नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट दी पॉलीमेनोरिया और इपी इसको हम पॉली या फिर भी दोनों बोल सकते हैं यह भी साइक्लिक ब्लीडिंग होती है लेस देन ट्वेंटी वन डेज ट्वेंटी अगर मैसेज हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे पॉली मेनूरिया पॉली मतलब क्या होता है ज्यादा होना तो ट्वेंटी वन डेज में ही हो जाता है नॉर्मल साइकिल कितने दिन की होती है ट्वेंटी एट टू थर्टी थर्टी डेज की अब कब हो रहा है ट्वेंटी वन डेज में ही हो जा रहा है तो इसको क्या कहेंगे पॉली मेनूरिया एक होता है एपी मैनोरेजिया जैसे एपी मैनिया हमने यहां पर पढ़ा है को हम एपी मैनिया भी बोलते हैं ऐसे एक होता है एपी मैनुरेजिया।, मैनुरेजिया का मतलब है प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग लंबे टाइम तक अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको कहेंगे प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग नेक्स्ट आता है दैट इज दैट्रोरेजिया मेट्रोरेजिया इज साइक्लिक ब्लीडिंग मतलब कि इरेगुलर क्योंकि हमने रेगुलरिटी में रखा था ना रेगुलरिटी इज अल्सो अ क्राइटेरिया फॉर द दबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग तो अगर मेट्रोरेजिया को हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इरेगुलर एसाइक्लिक ब्लीडिंग इसमें क्या होता है इरेगुलर मतलब कि कॉन्टेक्ट ब्लीडिंग अगर को, को, कोई कोई कॉन्टेक्ट हो रहा है उस पर्टिकुलर पार्ट part में तो ब्लीडिंग हो रही है जैसा कि किन किन केसेस में होता है सर्वाइकल कैंसर कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स और सर्वाइकल एंडोमेट्रोसिस तो इन दो कंडीशन में कॉन्टेक्ट ब्लीडिंग होती है सी से कॉन्टेक्ट सी से कार्सिनोमा सी से सर्विक्स सी से सर्वाइकल तो आई थिंक याद हो गया होगा ऐसे ही इरेगुलर में और क्या आता है इंटर ब्लीडिंग मतलब कि मेंसेस दो मेंसेस है उनके बीच में ब्लीडिंग हो रही है दो मेंसेस के पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग हो रही है तो उसको कहेंगे ओव्यूलर ब्लीडिंग ओके तो ये हो गया मेट्रोरेजिया नाउ नेक्स्ट इज द ओलिगो ओलिगो मेन्यूरिया मतलब कि क्या होता है कम होना तो ओलिगो मीन्स मोर देन थर्टी फाइव डेज नॉर्मल साइकिल कितनी है थर्टी डेज की पर अगर थर्टी फाइव डेज से ज्यादा हो रहा है तो क्या कहेंगे उसको ओलिगो मेनूरिया नेक्स्ट इज द हाइपो मेनूरिया हाइपो मेनूरिया मतलब कि स्केंटी और लेस देन टू डेज दो दिन से कम में और बहुत ही स्केंटी ब्लीडिंग हो रही है उसको कहेंगे हम हाइपो ये किस कंडीशन में होता है या तो एंडोमेट्रियोसिस सॉरी एंडोमेट्रियल टीबी हो या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का बहुत ज्यादा जिसने यूज किया हो उसको होती है हाइपोमेनोरिया ठीक है तो आई थिंक अभी आपको याद हो गया होगा एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं व्हाट आर दी पैटर्न्स पैटर्न्स मैं आपको बताती हूँ क्या याद करना है आप बस मेरे फिंगर्स को देखते रहो आपको याद हो जाएगा एम पी एम ओ एच पांच हैं ठीक है सबसे पहले क्या आता है सबसे पहले आता है मेनोरेजिया मेनोरेजिया मतलब कि हाइपर मेनोरिया ज़्यादा होना किसमें ड्यूरेशन में भी और अमाउंट में भी अमाउंट कितना ज़्यादा होगा 80 मिलीलीटर से ज़्यादा ड्यूरेशन सात दिन से ज़्यादा इसको हम कहेंगे मेनोरेजिया सेकेंड आता है दैट इज़ द पॉली मेनूरिया पॉली मेन्य का मतलब क्या है कि ट्वेंटी वन डेज से कम में हो जाना पीरियड्स का उसको कहेंगे पॉली मेनूरिया ऐसे ही एक आता है ऑलिगो मैन्य ऑलीगो मतलब कि थर्टी फाइव डेज से ज्यादा दिन में होना उसको कहेंगे ओलिगो मतलब कि कम पीरियड्स होना उसके बाद मेट्रोरेजिया और मेट्रोरेजिया का मतलब क्या होता है कि इरेगुलर ब्लीडिंग एसाइक्लिक ब्लीडिंग कब होती है कॉन्टेक्ट ब्लीडिंग और ब्लीडिंग उसको कहेंगे मेट्रोरेजिया ठीक है नाउ लास्ट में क्या आता है हाइपोमेनोरिया हाइपोमेनोरिया का मतलब मैंने बता दिया स्कैंटी एंड लेस देन टू डेज ठीक है अब आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो देखो मेनोरेजा को कनेक्ट करो विद द हाइपोमेनोरिया के साथ क्योंकि हाइपर और ये हो गया हाइपो हाइपर में ज्यादा अमाउंट ज्यादा ड्यूरेशन इसमें अमाउंट कम ड्यूरेशन भी कम पॉली मेनोरिया और ओलिगो मैनोरिया को साथ में कंपेयर करो पॉली मतलब कि 21 डेज में होना ओलिगो मतलब कि 35 डेज में होना हम्म और मेट्रोरेजिया ये बस इरेगुलर है और ये कब होता है कॉन्टेक्ट ब्रीडिंग या फिर इंटरनेशनल ब्रीडिंग होने में तो गाइस आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आई रियली वांट कि आप सब मुझे कमेंट सेक्शन बताओ और ऐसे और वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो आई थिंक मैंने आपको जो ट्रिक्स बताई सबसे बड़ी ट्रिक मैंने बताई डेफिनेशन याद करने की दैट इज दी बी डी आर एफ ये बताई थी BDRF दूसरी इसके कॉज याद करने के लिए DIT PHN और पैटर्न याद करने के लिए MBMOH ओके सो गाइस नाउ टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में